आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे INS विक्रांत के बारे में। कल भारतीय नौसेना की तरफ से बताया गया था कि INS विक्रांत एक ट्विन कैरियर एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय किया गया है और इसको रिसीव किया था INS विक्रमादित्य ने। अगर इस न्यूज को स्टैंड अलोन तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और इसका मतलब है कि अब इंडियन नेवी दो कैरियर्स एक साथ डिप्लॉय करने में सक्षम। देखिए, ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो इंडियन नेवी काफी समय से चाहती थी और उनका हमेशा से मानना रहा है कि इंडियन नेवी के पास में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दो ऐसे कैरियर्स होने चाहिए जो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों को कवर कर सकें। लेकिन जैसे जैसे आप डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपको परेशानी दिखना शुरू हो जाएगी और इस समय इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर कई सारी परेशानियां हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर जाने वाले फाइटर जेट्स। आइए कंप्लीट पिक्चर को समझते हैं। इस समय भारतीय नौसेना के पास में दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए अगर फाइटर जेट्स की बात की जाए तो ये फाइटर जेट्स होते हैं MiG-29 के। भारतीय नौसेना ने रशिया से 45 MiG-29K अक्वायर किए थे। इन 45 यूनिट्स में से 37 MiG-29K हैं, यानी कि सिंगल सीट वेरिएंट, और रिमेनिंग 8 KUB वेरिएंट है, यानी कि डुअल सीट वेरिएंट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारतीय नौसेना के 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं और इन 5 में से 3 K वेरिएंट थे, यानी कि सिंगल सीट, और 2 KUB वेरिएंट थे, यानी कि डुअल सीट। यानी कि अगर लेफ्ट ओवर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इस समय भारतीय नौसेना के पास में 34 यूनिट्स K वेरिएंट्स हैं और 6 यूनिट्स KUB वेरिएंट्स हैं। अगर आप इन एयरक्राफ्ट को दो कैरियर्स के बीच में इक्वली डिवाइड करते हैं तो दोनों एयरक्राफ्ट के पास में 20-20 एयरक्राफ्ट बचते हैं जिसमें 17 K वेरिएंट्स होते हैं और 3 KUB वेरिएंट होते हैं। वैसे तो विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को 36 एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है, लेकिन वो हाई डेंसिटी पैकिंग है। इसके अलावा इस नंबर में यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी काउंट किए जाते हैं। इन थ्योरी यहाँ पर 26 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की जगह है और उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर केवल 6 एयरक्राफ्ट पर एयरक्राफ्ट कैरियर कम पड़ते हैं। यानी कि सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ती है जब आप कंसिडर करते हैं कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर ये जो एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं इनकी अवेलेबिलिटी रेट क्या है। आमतौर पर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर 60-70% एयरक्राफ्ट ही अवेलेबल होते हैं और बाकी रिमेनिंग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में होते हैं। यानी कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 12-14 एयरक्राफ्ट अवेलेबल होंगे जो डिजायर्ड नंबर से कम है। कहीं न कहीं भारतीय नौसेना की तरफ से इसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए 26 रफाल मरीन अक्वायर किए जा रहे हैं, लेकिन ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि रफाल मरीन तुरंत अवेलेबल नहीं होंगे और अगर भारतीय नौसेना इस साल के अंत तक ये ऑर्डर देती है तो भी लगभग 3 साल के बाद इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू होने वाली है और वहां से ये डिलीवरी कंप्लीट होते होते लगभग 2 साल और लगेगी। यानी कि भारतीय नौसेना को ये सारे एयरक्राफ्ट साल 2030 तक मिलेंगे। नौसेना के प्लान के हिसाब से लगभग उसी समय MiG-29K रिटायर करना शुरू किए जाएंगे और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बनकर तैयार होना चाहिए, लेकिन नौसेना के पास में फंड्स लिमिटेड हैं और अगर नौसेना रफाल्स के लिए जाएगी तो नेचुरली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में डिले होने वाली। प्रैक्टिकली यहाँ पर भारतीय नौसेना के पास में दो और ऑप्शन थे जो एक्सप्लोर किए जा सकते थे, जिसमें पहला ऑप्शन था MiG-29K। ये चीज हम सभी जानते हैं कि रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय काफी खराब हालत में है और इसके ऊपर मौजूद फ्लीट इस समय मॉथबॉल करके रखी गई। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में रशिया ने लगभग 20 MiG-29K बनाए थे और अगर भारत रशिया के साथ में अरेंजमेंट करके इन MiG-29K को अक्वायर करता है तो भारतीय नौसेना को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट सेकेंड हैंड होंगे, उस हिसाब से भारतीय नौसेना को कम पैसे देने पड़ेंगे और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए पैसे भी बचाए जा सकेंगे। दूसरा ऑप्शन नेवल तेजस का हो सकता था, लेकिन इस समय जिस तरीके की सिचुएशन तेजस के साथ में बनी हुई है उसके चलते ये एक वायबल ऑप्शन अभी तो नहीं है। वैसे रफाल के साथ में इंडियन नेवी की अप्रोच एक सेफ अप्रोच लग रही है और ऐसा समझ में आ रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अगर 26 रफाल फाइटर जेट भी अक्वायर किए जाते हैं तो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर 10-10 एयरक्राफ्ट अवेलेबल होंगे और जब तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट नहीं आ जाता है तब तक कुछ हद तक भारतीय नौसेना के इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर किसी तरीके की एयरविंग तो मौजूद रहेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।